कि हमारे देश के लिए एक राम एक लक्ष्मण जैसे होते हैं वैसे हमारे योगी और मोदी हैं। हाँ। क्या महंगाई है, इससे महंगाई तो कराम है पाकिस्तान में और देश में, यहाँ तो वो देश बचाए कि वो बेच खा गए, वो तो भाग के जाएंगे विदेश, उनको कौन जानता है। महंगाई तो सब देख रहे हैं कि जो देश का विकास हो कोई नहीं देख रहा है ना, उसको भी देखना चाहिए ना सरकार को, सरकार क्या कर रहा है। हम बताइए, आज हम लोग चांद पे पहुँच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। हम तो उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तो पप्पू है, वो तो बच्चे है। कानपुर से आई है, इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? अरे भैया हमारे मोदी है, उन्हीं को बनाना। मोदी जी को जी? मोदी जी को या योगी जी को? योगी को बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री। हाँ। मोदी है प्रधानमंत्री। अच्छा, किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है आपको? भैया हमारे योगी का भी अच्छा है, मोदी का भी अच्छा है। विपक्ष तो कह रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है, तो कुछ भी कहे। वो तो एक दूसरे की खटिया खड़ी करे रहते हैं। हाँ, तो है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो ये तो सभी, राहुल गांधी तो कह रहे हम प्रधानमंत्री बने, अभी तो ऊपर वाला जाने है कि नहीं। ऊपर वाला जिसको चाहेगा, मगर उसे हमारी तो इच्छा, हमारे वही मोदी जी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को, योगी जी को नहीं? उनको भी चाहते हैं, दोनों जनी रहे, दोनों कोई भी रहे। अच्छा। तभी देश का विकास होगा। अच्छा, जो काम काज है मोदी जी का या योगी जी का, सबसे ज्यादा आप पसंद किसे करते हैं? हम दोनों लोग पसंद करते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए जो काम किया है सरकार ने, उसको आप कितना नंबर देना चाहोगे? 100 में 100। आपको सरकार पसंद है, जो योगी जी का शासन है उसमें कहते हैं महिला बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो उन्हें आपको क्या लगता है? अगर वो नहीं रहते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बाकी उनके रहने से लोग सुरक्षित देखिए चल रहे हैं, कोई डर नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी बहुत है, महंगाई जानते हैं, विपक्ष तो वो तो बुराई करवे करेंगे, क्योंकि उनके अब जीतने का कोई सत्ता है नहीं। तो राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? हम तो उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तो पप्पू हैं, वो तो बच्चे हैं, आज जो काम करेंगे मोदी योगी और कोई कर नहीं सकता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है। अरे वो तो देश बना रहे हैं, देश तो उन्होंने बेच दिया, उन्होंने क्या बेचा है मोदी जी ने। आपका क्या नाम? साधना। कहाँ से आप? बनारस से। बनारस से, क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बस मोदी। मोदी जी बनेंगे? हाँ। ऐसा क्या है मोदी जी में जो आप लोग मोदी जी को पसंद? उनको बस हर काम ही कर रहे हैं वो। अच्छा, आप यूपी से हैं, तो यूपी में कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, रात बिरात कहीं भी जाएं, तो क्या वाकई में महिलाओं का सुरक्षा हो रहा है? जी जी, सुरक्षा तो हो ही रहा है। कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी का आपको पसंद? बनारस पूरा चमका दिए हैं। बनारस चमक गया पूरा जी। आपका क्या नाम? ज्योति। ज्योति कहाँ से है? गोरखपुर से। तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की सरकार बनेगी, हमेशा बनती रहेगी। देखिए आप युवा हो और बनना चाहिए। बिल्कुल, आप युवा हो, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां, वो सब बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, कर्म के ऊपर निर्धारित है। अगर हम कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम निकल जाएंगे, अगर हम नहीं कर रहे तो नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, इतनी महंगाई है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, गैस इतना महंगा हो रहा है, उस पर आप क्या कहो? महंगाई तो सब देख रहे हैं कि जो देश का विकास हो कोई नहीं देख रहा है ना, उसको भी देखना चाहिए ना सरकार को, सरकार क्या कर रहा है। हम बताइए, आज हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात है, पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई? सही बात है, छोटी छोटी चीजों को लेके बढ़ाया ना जाए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी भगाओ देश बचाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी रहेंगे तभी तो देश बचेगा। माता जी कुछ बात कह रही, मैं उसे पूछाऊं। माता जी, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी भगाओ देश बचाओ, वो देश बचाए कि वो बेच खा गए, वो तो भाग के जाएंगे विदेश, उनको कौन जानता है? अब मोदी सब जानता है कि गुजरात के रहने वाले हैं, उनको नहीं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा किए, पूरे भारत की पैदल यात्रा किए, सोच रहे कि मैं भारत के बारे में संविधान बचा रहा हूँ। वो क्या बचा रहे हैं, वो तो खाली बुराई बुराई गाली दे रहे हैं केवल, मोदी जी को, योगी जी को, वो देश में क्या किए हैं ये बताइए कुछ। अच्छा, मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगता है? उनका हर एक काम अच्छा है, सबसे अच्छा काम तो अयोध्या जी बन गया, 335 कोई नहीं, 70 नहीं हटा पाया था, 35 नहीं कोई हटा पाया था, फिर का नाम है, ये तो खुशखबरी की कि जो चांद पे पहुंच गए, वो खुशखबरी है कि नहीं है? आज लोग कोई किया है, इतना प्रधानमंत्री आए कुछ किए हैं? आज लोग कोई कुछ किया नहीं, अब तो जब वो जीत रहे हैं तो उनकी खाली बुराई पे बुराई हो रही है। अच्छा, महंगाई इतना हो रहा, उससे परेशानी नहीं? महंगाई नहीं, कुछ भी नहीं, क्या महंगाई है, इससे महंगाई तो कराम है पाकिस्तान में और देश में, यहाँ तो अच्छा है कि हम लोग खुशी से खा रहे हैं, बहुत सस्ता है, महंगाई कुछ भी नहीं। इतना महंगा गैस है, इतना महंगा पेट्रोल है, इतना खर्चा हो रहा है, तो सब कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से?
आकाश कुमार मैं सिद्धार्थ नगर से। अरे वाह, सिद्धार्थ नगर से आप। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल मोदी जी योगी की सरकार ही बनेगी। नहीं, आपको मायावती मुलायम से क्या प्रॉब्लम, राहुल से क्या प्रॉब्लम? नहीं है हमको किसी भी सरकार से कोई प्रॉब्लम। जो काम अच्छा करेगा बिल्कुल उन्हीं की वही सरकार चलेगी। आज हम जब से मेरे अभी तक ना राम मंदिर बना हमारा, ना हमारा बनारस सज गया, उनके आते ही हमारा राम मंदिर भी बन गया, बनारस भी सज गया। इस बार माता अगर वृंदावन में चाहेंगे तो इस बार वृंदावन भी सज जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। तो अगर वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, तो आप लोग कौन सा ऐसा काम चाहते हो कि जो प्रधानमंत्री बनते ही करें वो? हम तो यही चाहेंगे तो वो जहाँ तक हमारी कोशिश है, उनकी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने देश को एक नंबर एक अच्छा स्मार्ट सिटी बनाए, जो कि वो बना रहे हैं और आगे भी वो ऐसा काम करते रहेंगे। बस यही हम कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपका क्या नाम? मेरा भी यही कहना है कि हमारे देश के लिए एक राम एक लक्ष्मण जैसे होते हैं वैसे हमारे योगी और मोदी हैं। ये तो विपक्ष कह रहा है कि योगी और मोदी मिलके देश को। देखिए भाई साहब, ये गलत कह रहे हैं। जब कोई अच्छा बच्चा आगे बढ़ता है ना, तो उनके हजार बुराई लोग करने लगते हैं। तो अच्छा काम, समझ गए? तो ऐसे उन लोग की भी बुराई हो रहा है। काम अच्छा कर रहे हैं ना पूरी देश में, अपना जितना बीजेपी है, जहाँ जहाँ अपना देश है, अच्छा काम कर रहे हैं ना, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं ना। तो अच्छा, महिलाओं के लिए कैसा काम हुआ है? हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हम तो ये भगवान से कह रहे हैं, राधे कृष्ण से, कि हमारे योगी मोदी हमेशा योगी होगे ताकि वो ऐसे लहराए झंडा। मोदी योगी जिंदाबाद। आप प्रधानमंत्री कौन बने, योगी जी या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी, जी। योगी जी अगर बनना चाहे प्रधानमंत्री तो वो भी बन सकते हैं। हाँ। क्योंकि दोनों लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। इसमें दोनों लोग की बुराई नहीं है भैया। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। दोनों लोग का आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, कि ऐसे अगर भगवान अगर कोई चुना है तो भगवान वो दोनों लोग का चुने हैं। राहुल गांधी को कुछ आशीर्वाद नहीं? हमको उन लोगों के बारे में बचपन से आज तक कोई मन में ऐसा विचार है नहीं। जब से हमारे योगी मोदी आए हैं, जब से हम पैदा हुए, जब से हमको समझदारी हुआ, हम तब से इन लोगों के बार बार भगवान से विनती करते हैं कि हमेशा हमारे देश में योगी मोदी रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे। लेकिन कहते हैं संविधान के लिए, देश के लिए सरकार बदलती रहनी चाहिए। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप भैया अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको बार बार चुनेंगे कि आप अच्छे हैं, पर्तकाल अच्छे हैं आप, तो आप लोग हमेशा हम आपको बुलाएंगे। लेकिन ऐसे मोदी योगी भी है, अच्छे काम कर रहे हैं देश में, इसलिए जितने लोग हैं भले मुंह पे बुराई करें, लेकिन जानते हैं कि हमारे ये दोनों के अलावा कोई देश नहीं चला पाएगा। अच्छा। तो इसीलिए जनता उनके पीछे पीछे चलती रहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके माथे पे टीका लगा हुआ है, वृंदावन घूमने आए हो, मोदी जी ने मंदिर बना दिया, आप कह रहे हो कि सरकार, कौन कह रहा मोदी ने मंदिर बनाया? कौन सा मंदिर बनाया? मोदी ने बनाया? मोदी ने कहां से मंदिर बनाया? मोदी ने पैसा लगाया उसने? नहीं नहीं, पूरे भारत ने, पूरे भारत ने पैसा करके, इकट्ठा पैसा करके राम मंदिर बनवाया है। मतलब आपके करने में भी राम मंदिर का वो है, हमारे में भी है, इनका भी है, इनका सबका हक है, सबका हिस्सा है। लेकिन वो कह रहे कि अगर हमारी सरकार नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस होती, समय होता है कुछ चीज का, हर चीज का समय होता है। कांग्रेस सरकार भी थी, वो क्यों नहीं बनवा पाई? समय होता है कुछ चीज का, समय होता है भैया। समय होता है, समय होता है। नहीं, बीजेपी के भी पास कांग्रेस सरकार थी तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। ये भी तो आप ध्यान दें, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर से लेके नहीं, बस सिलेंडर यहाँ लोग सिर्फ मर रहा है महंगाई पे, यहाँ लोग मर रहा है महंगाई पे, वहाँ नहीं मर रहा। जो सुनो, आज तक सबके पास है, आज तक दिल में सबके है, तो वो उनको पसंद है। यहाँ लोग मर रहे हैं महंगाई पे, उस पे नहीं मर रहे। चार जवान शहीद हो रहे हैं, हमारा 370 अटकी, कहाँ भाग गए ये कांग्रेस, कहाँ भाग गई? अरे आ जाओ, अच्छा आ जाओ, कह के भाग रहे नहीं है लोगों को। क्या लगता है आपको? उसकी नहीं है, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। जो किसका है ना, कि मोदी ना बने, मोदी तो बनेगा और योगी भी बनेगा, किसी में दम नहीं है उसे रोकने वाला। भैया तो कह रहे मोदी बनेगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी बनेगा। वो भैया तो कह रहे थे अखिलेश बनेगा। नहीं नहीं नहीं, मोदी बनेगा, वो अखिलेश की तरह भाग गए और उसकी तरह भाग गए। जितना गठबंधन कर रखा है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो गठबंधन ही रहेगा। जीतेगा मोदी, मोदी जीतेगा, बस मोदी जीतेगा। हाँ, मोदी जीतेगा। ऐसा क्या काम है जो मोदी जी का आप सब लोग पसंद? वैसे बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई वैसे वो नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी का काम में क्या आपको पसंद नहीं है? और राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? राहुल गांधी की गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में
हम लोगों को समय समय पर रोजगार मिलता था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोजगार के माध्यम जो थे सब, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। अच्छा। अग्निवीर बना दिया, क्या अग्निवीर है ये? हाँ। यूपी में सबसे बेस्ट अखिलेश यादव है। हाँ। और केंद्र में इंडिया अलाइंसमेंट सबसे ऊपर रहेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा काम मोदी जी ने कर दिया, योगी जी ने कर दिया, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमको ये पसंद है कि जानी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे गुंडागिरी से। अच्छा। अब हम आजाद हैं और अपना काम कर रहे हैं। डर नहीं लगता यूपी में कहीं? नहीं डर लगता। हाँ, हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है, सुरक्षा, शिक्षा? हाँ है। आपको राशन वगैरह मिल रहा है? मिल रहा है, 5 किलो मिलता है? पूरा पूरा मिल रहा है, पूरा काम होता है। और कोई दिक्कत परेशानी है कुछ, क्या मांगते हैं आप सरकार से कुछ, अगर आपकी मांग है? कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही मिल रहा है। हमें तो अपने आप मिल रहा है, फिर क्या मांग लेगी वो है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी भगाओ, देश बचाओ। नहीं, बाबा बुलडोजर ही रहेंगे। बाबा बुलडोजर जिंदाबाद।